आप सभी का स्वागत है आज इस खास चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जगमती सांगवान, जो कई दशकों से महिला और मजदूर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। जगमती, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शरीक होने के लिए। आज इस महिला दिवस के बारे में हम बहुत ही एक जटिल सामाजिक राजनैतिक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप जो हैं हरियाणा में खाप पंचायत के खिलाफ जमीनी संघर्ष से बहुत सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं, और अब यही खाप पंचायत का जो दानव है ये लव जिहाद कानूनों का रूप लेकर पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में एक आशंका का माहौल सा पैदा कर रहा है। पर जब महिला आयोग की अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा जी, वो भी लव जिहाद के बारे में बात करने लगती हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से लव जिहाद का कानून महिला विरोधी। ये जो लव जिहाद का जो मुद्दा और इसके ऊपर जो कानून व्यवस्था की गई है यूपी की सरकार के द्वारा और हमारे हरियाणा में भी जिसकी तैयारियां हो रही हैं, हमें सबसे पहले तो ये बिल्कुल अनावश्यक लगता है कि केवल 1% कुछ मतलब इस तरह की शादियों की पहल जो है वो देखने को मिल रही है। और फिर इसको जिस नजरिए से देखा जाना चाहिए वो ये है कि आजादी के आंदोलन के फलस्वरूप जो भी हमें अधिकार मिले थे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, उसी के साथ राइट टू चूज योर पार्टनर, ये भी एक अधिकार मिला था क्योंकि नागरिकों को इसकी जरूरत थी। लेकिन क्योंकि जो विवाह संस्था है, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है, वो सोशल रिलेशंस और सोशल स्ट्रक्चर्स को शेप करता है, इसलिए इसकी बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एक तरह से। इस वजह से तमाम तरह की जो सांप्रदायिक जातिवादी स्टेटस कोइस्ट और जो वर्चस्ववादी जो ताकते हैं वो हमेशा इस अधिकार को अपने हमलों का निशाना बनाती आई है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये जो मतलब भेदभावकारी जो संरचनाएं हैं कास्ट क्लास जेंडर के आधार पे, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पे जो हमारे यहाँ पे बनी हुई है, उनके मूल में जो है उनको बनाए रखने के लिए महिलाओं की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। एक अहमियत का वो सवाल है, क्योंकि अगर महिलाएं जो हैं वो अपनी सेक्सुअलिटी को अपनी पसंद के आधार पे एक्सरसाइज करती हैं, तो यहाँ से एक समता मूलक समाज बनने का बीज जो है वो इसके अंदर है, और जिससे समता मूलक समाज बनने का एक आधार क्रिएट होता है यहाँ पे। इस वजह से वो तमाम तरह से इस अधिकार के ऊपर जो है तमाम वर्जनाएं बंदिश जो है और तमाम तरह की वायलेंस करती आई है, और ये महिलाओं के तो राइट टू चूज के खिलाफ है ही, उसके ऊपर तो हमला है ही। मुस्लिम आदमियों के भी अपना जो धर्म से संबंधित उनका अधिकार है या अपनी पसंद से शादी करने का जो अधिकार है उसके ऊपर भी एक तरह से हमला है ये लव जेहाद जो है। आप महिलाओं की अगर आजादी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्पीड़न और यौन हिंसा के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, और खासकर दलित परिवारों की महिलाओं के साथ। ऐसे में सरकार और पुलिस की निष्क्रियता तो नजर आती ही है, पर ऐसा भी लग रहा है कि न्याय प्रणाली से भी हताशा मिल रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके के कमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट या जजेस से आए हैं, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ी बात करें। देखिए, जहां तक महिलाओं के साथ यौन हिंसा का सवाल है, ये पिछले दिनों बहुत तेजी से बढ़ी है, इसके अंदर बर्बरता बढ़ी है, इसमें अपराधियों को सजा दिलवाने का काम जो है वो बहुत मुश्किल हुआ है। हम जो महिला आंदोलन में महिलाओं के साथ काम करते हैं,
हमारा अपना ये अनुभव है। और इसमें मुख्य वजह जो है कि पिछले दिनों पूरा मतलब जो सत्ता पर जो ताकतें बैठी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में राज्यों के अंदर जो है उसकी जो अपनी विचारधारा है एक तरह से जो महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु की तरह से देखने वाली वो विचारधारा है। और हम ये देख रहे हैं कि जब उस विचारधारा के लोग शिखर सत्ता के ऊपर काबिज हैं तो उसका असर जो है नीचे जो जितनी भी एजेंसीज हैं आपको जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की जितनी एजेंसीज हैं सब उसके सिग्नल से एक तरह से लैस हैं और महिलाओं के प्रति होने वाली यौन हिंसा को करने वाले भी वो मतलब जैसा मैं पहले भी कहा कि एक वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कि भी जो दलितों की लड़कियां हैं जो इनकी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर तो एज इफ हमारा मतलब अधिकार बनता है उनका यौन शोषण करने का क्योंकि वो तमाम तरह से मतलब कमजोर है तमाम तरह से उनकी निर्भरता जो है खासतौर पे ग्रामीण परिवेश में अभी भी उन्हीं मतलब तबकों के ऊपर बनी होती है जो आर्थिक सामाजिक जीवन को कंट्रोल करते हैं वहां पे। तो जो यौन हिंसा करने वाले भी जो है वो भी मतलब दलित लड़कियों के प्रति जो ये एक जो उनका दर्जा जो है हिंदू राष्ट्र और पूरी मनुवाद की संगति में देखें तो उनका सबसे नीचा कास्ट क्लास जेंडर तमाम तरह के जो मतलब भेद और अपराध जो है वो उनके प्रति किए जा सकते हैं आसानी से और इसकी तस्वीर हमें बार बार देखने को मिल रही है खास तौर पे यूपी जो एक तरह से इसका मतलब लीडिंग वो है और कम तो हमारा हरियाणा भी नहीं है जब से ये बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई है यहाँ पे भी लड़कियों के साथ जो गैंग रेप्स जो हैं सामूहिक बलात्कार की घटनाएं और उसमें भी कमजोर तबके से जो आती हैं महिलाएं लड़कियां जो अपवर्ड मोबिलिटी की थोड़ी इच्छा रखती हैं उनके साथ ये बढ़ी है और पूरे देश में दूसरे नंबर पे हमारा भी राज्य है। तो एक तो जो अपराधी जो हैं वो बेखौफ हैं कि उनके साथ अगर आप ये बलात्कार करते हैं और वो लड़कियां अगर किसी भी तरह से अपवर्ड मोबिलिटी की इच्छा के साथ अपनी पसंद से कोई रिश्ता बनाती है अगर वो किसी एक के साथ रिश्ता बनाने की इच्छा रखती है तो वो उसके लिए अवेलेबल है तो हमारे लिए क्यों नहीं है। हमारा तो गाँव में हक बनता है भाई मतलब उस चीज के ऊपर वो उस चीज की तरह से उनको देखते हैं। तो ये सामूहिक बलात्कार और इस तरह की जो घटनाएं जो है ये बढ़ी हैं। इसके साथ पुलिस का जो है जिस तरह से हाथरस में हमने देखा कि वो आपसे मतलब दलितों से गरीबों से उनकी मतलब अभी तक तो उनको न्याय नहीं देते थे उनको मतलब अपराधियों को सजा नहीं देते थे लेकिन अब तो उनकी हिमाकत देखिए कि वो आपको आपकी विक्टिम जो बेटी है उसका संस्कार करने का अधिकार भी छीना गया दलितों से वहां पे जो हाथरस के केस में कि वो रात के अंधेरे में बिल्कुल चोरों की तरह से उन्होंने उस लड़की को जो है उसका संस्कार किया। तो ये पुलिस की जो पूरा चरित्र जो देखने को मिल रहा है और उसमें और भी जो अफसोस और दुख की बात जो है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जैसे किसान आंदोलन के संदर्भ में अगर उनकी टिप्पणी देखें कि ये महिलाओं और बुजुर्गों को कौन लेकर आया है यहाँ पे खुदा के लिए इनको इनकी जगह पे भेजो मतलब लगता है कि उनके पास एक ही फ्रेमवर्क है कि कोई किसी को लेकर आता है जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को पार्लियामेंट में लेकर गए हैं उस तरह से और महिलाएं जो हैं उनके कोई कंसर्न्स नहीं है उनके कोई इश्यूज नहीं है और उनके पास आवाज उठाने का एज इफ कोई हक नहीं है और कोई आवाज नहीं है इस तरह से वो देखने में मिला। अभी महाराष्ट्र के अंदर जो है महाराष्ट्र में जो रिसेंट जो केस आया है सुभाष और वर्सेस महाराष्ट्र केस जो है जिसमें मतलब
वो सुप्रीम कोर्ट के जज उससे पूछते हैं कि भाई आप उस लड़की के साथ जिसके साथ तुमने रेप किया है, सेड्यूस सेड्यूस किया जिसको, उसके साथ शादी करने को तैयार हो क्या? मतलब हद हो गई बिल्कुल कि कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस तरह की बात करे उस जगह पे बैठ के, और उसको फिर समय भी दिया जा रहा है उसकी मतलब बेल पर विचार करने के लिए। तो ये मतलब दिखाता है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पूरा जो है वो भी उसके अंदर केवल रुझान नहीं है, बल्कि उनका व्यवहार जो है वो पूरा व्यवहार ही वो संविधान और कानून की संगति में होने की बजाय पूरा मनुवाद और वर्ण व्यवस्थावादी नजरिया जो महिलाओं के प्रति है उसकी तरफ उनका मतलब झुकाव जो है उनके व्यवहार का वो निरंतर देखने को मिल रहा है। इससे पहले यही महाशय ये भी कह चुके हैं कि हाउ कैन रेप अकर इन इन मैरिज, मतलब शादी में मतलब रेप कैसा, मतलब वो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल पितृ सत्ता के एक पूरे प्रतिनिधि जो चरित्र जो है वो उसको मतलब बनाए हुए हैं अपने अंदर। और अफसोस की बात है कि वो ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जहां से महिलाओं के प्रति ये पूरा जो वातावरण जो है उनकी टिप्पणियां जो है वो उस वातावरण को महिला विरोधी बनाने में मदद कर रही है। और हम बिल्कुल ये मांग करते हैं कि ये जो पितृसत्तात्मक जो प्रवृत्तियां हैं इस तरह की जगहों के ऊपर, इनको वीड आउट करने की जरूरत है। और अभी तो इनके संदर्भ में हम जेंडर सेंसिटाइजेशन ही कहेंगे, जो महिलाओं की गरिमा को गिराने वाली जो इस तरह के पदों पे बैठे हुए जो व्यक्ति टिप्पणियां करते हैं उनके लिए जब तक सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक वो बाज नहीं आएंगे। और पिछले दिनों मतलब हमारी जो ऑब्जर्वेशन है कि हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो असल में एक संवैधानिक अधिकारों के रक्षक की बजाय कर रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर उनकी भूमिका को देखें कि वो कमेटी बना रहे हैं, वो उनसे भी वो बात करेंगे, या अभी जो रेप विक्टिम के बारे में वो जो रेपिस्ट है उसको जिस तरह की मतलब चॉइस मतलब दे रहे हैं, तो वो मीडिएटर की भूमिका नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो पूरे सेक्रीफाइस करके लोगों ने अर्जित किए हैं उनकी रक्षा हो, और उनके ऊपर जो हमलावर है उनको सजा मिले, ये काम है उनका, वो करना चाहिए उनको। असल में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सरकार जो है ये महिलाओं के मूल अधिकारों को ध्वस्त करने के साथ साथ नवोदारवाद नीतियों के जरिए, चाहे वो कृषि कानून हो या पिछला बजट अगर देखें, तो उनके आर्थिक और सामाजिक अस्तित्व पर भी एक तरह से हमलावर है। इसके बारे में आपकी क्या समझ है? देखिए जैसे ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो तभी हमने ये आकलन किया था कि अभी जो संघर्ष है हमारे सामने, जो हमने अधिकार जीते हुए हैं अभी तक समानता हासिल करने के क्षेत्र में, उन अधिकारों की रक्षा करना, उनको बचा पाना जो है वो हमारे लिए मुख्य लक्ष्य रहेगा। और अपने जो विकास की जरूरतों को आर्टिकुलेट करना साथ साथ में, छोड़ना उनको भी नहीं, लेकिन मुख्य चुनौती थी कि उन अधिकारों को बचा के रखना। और वो हम ये देख रहे हैं कि आए दिन चाहे वो मतलब कानूनों को लेकर जो छेड़छाड़ की जा रही है, चाहे आर्थिक पैमाने पे जिस तरह की मतलब नीतियां सामने लेके आई जा रही हैं, उन सब के माध्यम से महिलाओं को एक तरह से मतलब एक ऐसी भूमिका में सीमित करने की कोशिशें नजर आती हैं कि वो केवल अपना घर चलाएं और अपने बच्चों का पालन पोषण करें, उनको जो भी रोजगार के अवसर जितने मुहैया थे लगातार उनके अंदर कटौती देखने को मिल रही है, उनके काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं,
उनकी मेहनत बढ़ती जा रही है, उनको मतलब केयर वर्क जो पूरा एक क्षेत्र है निरंतर उसकी तरफ धकेला जा रहा है। जिस तरह से ये मतलब इस सरकार का ये और हमारा जो मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर का पूरा जो एक अलायंस जो जिस तरह का है, ये कंजर्वेटिव और न्यूलिबरल मोड ऑफ डेवलपमेंट जो है, इनका जो अलायंस है एक तरह का, तो वो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को एक मतलब पीछे की जो भूमिका जिसको हम पार करके आए अपने संघर्षों के माध्यम से, वहीं पे धकेलने की कोशिशें नजर आती हैं। और इस बार का तो जो बजट जो है, अगर उसका पूरा विजन देखें तो महिला सुरक्षा का जो सवाल है, जो निरंतर उनके प्रति तमाम तरह की वायलेंस जो बढ़ती जा रही है, यौन हिंसा और तमाम तरह के क्राइम्स जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके अंदर जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी जिस तरह की, उसकी बजाय वो हर जगह पे कटौती नजर आती है। चाहे वो सामाजिक सुरक्षा का सवाल है महिलाओं का, चाहे जहाँ पे उनको मैक्सिमम जैसे काम मिलता था मनरेगा जैसी जो स्कीम्स जो है, जहाँ पे गरीब से गरीब और बहुत बड़े पैमाने पे विडो महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं, उन जगहों के ऊपर जो बढ़ोतरी होनी चाहिए जिस तरह की, उसका बिल्कुल उपेक्षा की गई है। इसी तरह से जो तमाम महिलाओं के लिए जो उनको पोषण करने वाली जो स्कीम्स जो है, चाहे वो ICDS है, चाहे वो आशा वर्कर वाला है, चाहे वो मिड डे मील की स्कीम्स जो है, उन जगहों के ऊपर कटौतियां की गई है। शिक्षा का जो सवाल जो है बिल्कुल उसकी भारी उपेक्षा इस बजट में है। और इवन खेलों का अगर बजट देखें, इस बार जो है ओलंपिक गेम्स होने हैं, और ओलंपिक गेम्स के लिए एक तरफ तो रोज मतलब ढोल पीटा जा रहा है कि हम ये तैयारियां कर रहे हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उसके बजट का जहां तक देखें तो बहुत बड़ा मतलब कटौती उसके अंदर देखी गई है। और हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो खेलों के अंदर पिछले दिनों जिस तरह से बढ़ चढ़ के मतलब वो प्रदर्शन कर रही है और अचीवमेंट्स कर रही है, और वो जिस तरह की तमाम विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए बिल्कुल मतलब अपने परिवार के बजट को निचोड़ के किसी तरह से ये उपलब्धियां हासिल कर रही हैं, उन क्षेत्रों के अंदर भी निर्मम कटौती इस बजट के अंदर की गई है। और पूरा चाहे वो सेवाओं के मैक में है, उसके अंदर आप बस भाड़ा इतना बढ़ाया गया है, यहाँ पे रेल भाड़ा बढ़ाया गया है, जहाँ पे आम आदमी और खासतौर पे महिलाएं जो है वो सफर करती है। महिला दिवस का मजदूर आंदोलन और जनवादी आंदोलनों के साथ एक ऐतिहासिक तौर पे गहरा रिश्ता रहा है। आज के किसान आंदोलन में भी महिलाएं ना सिर्फ हिस्सा ले रही हैं बल्कि उसका नेतृत्व भी कर रही हैं। और दूसरी ओर सरकार ना तो महिलाओं की सहभागिता को स्वीकार करने को मंजूर है, ना ही उन्हें श्रमिक श्रेणी में कानूनी वैधता देने को, पर आंदोलन पुरजोर जारी है। और मेरा आपसे यही सवाल है कि इस मौजूदा प्रतिरोध और आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए महिला आंदोलन की क्या मुख्य मांगे हैं? महिलाओं के प्रति पूरा एक जो विजन है वो संवैधानिक दायरे से निकाल के उसको मनुवाद और वर्ण व्यवस्था के दायरे में मतलब खींचने की पूरी कोशिशें हैं। तो उसमें इस 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में हमारा सबसे पहला जो मांग और जो काम और जो चुनौती है वो है हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और हमारे संविधान की रक्षा। ये एक हकीकत है इस देश के अंदर कि यहाँ पे भले ही ये जो संविधान है इसके सबसे कम फल खाने को अगर मिले हैं तो वो इस देश की बेटियां और महिलाएं हैं, उनको सबसे कम मतलब फल जो है वो उसके मिले हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत भी उतनी ही लाजवाब है कि जब इसके ऊपर हमला हुआ है CAA NRC इनके माध्यम से, तो उसकी रक्षा करने के लिए, उस संविधान की रक्षा करने के लिए
ये महिलाएं ही हैं जिन्होंने सबसे जबरदस्त तरीके से जो है सरकार को चुनौती दी है जो उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाली है। और इसमें हम जो हमारी चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन है, इस साल हमारे किसान भाई जो हैं बहने जो हैं वो दिसंबर जनवरी में सड़कों पे सोने को मजबूर हुए, तो पिछली साल हमारे बहने थी इस देश की जो अनेकों जगहों के ऊपर और खास तौर पे शाहीन बाग में दिसंबर जनवरी में छोटे बच्चों के साथ जो है वो वहां पे सोई और तमाम तरह से उन्होंने अपने आंदोलन को परवान चढ़ाया। आज इस देश की नौजवान लड़कियां हैं जो सबसे ज्यादा अपना राइट टू रेजिस्टेंस एंड राइट टू प्रोटेस्ट जो है उनमें यूएपीए जैसे मतलब काले कानूनों के तहत 22 साल की लड़कियां 23 साल की लड़कियां जो हैं यहाँ पे नताशा नरवाल है, यहाँ पे नवदीप कौर है, अनेकों अनेक लड़कियां गुलफिशा और अनेकों जो है वो तमाम तरह के वो झेल रही हैं। इवन जेएनयू के अंदर जो हमारे वहां की जो अध्यक्ष जो संगठन की थी उन लोगों ने इस उम्र में मतलब क्या नहीं झेला और किस तरह से वो उन्होंने जवाब मतलब पूरे जज्बे के साथ वो जवाब नहीं दिया है। और निश्चित रूप से उसके साथ साथ हम जो हमारे राजनीतिक अधिकार है उसमें चाहे 33% आरक्षण का जो सवाल है जो एक महिलाओं के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटजिक रणनीतिक सवाल है कि वो उन जगहों पे आए महिलाएं उतनी संख्या में कि जहां से वो इस देश के फैसलों को प्रभावित कर सके, तो वो 33% आरक्षण मिले। और यहाँ तो हालत ये है कि मतलब हमारे हरियाणा के अंदर अभी अगर बात करें अभी ड्यू है पंचायतों का इलेक्शन और सरकार ने पूरा जोर शोर से कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे हम, और लेकिन उसको जो लागू करने का तरीका है वो बिल्कुल ऐसा है कि वो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बजाय पुरुषों के लिए 50% आरक्षण किया गया है कि वो अपनी मेरिट के आधार पे अगर जनरल कैटेगरी में चुनाव लड़ना चाहे तो वो चुनाव वहां पे नहीं लड़ सकती उन जनरल सीट्स पे, केवल जो रिजर्व्ड सीट्स हैं उनके ऊपर वो चुनाव लड़ सकती हैं। और उसका हमने घोर विरोध किया है यहाँ पे और अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका भी डाली गई है। तो इस तरह के राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व के सवाल हैं वो बहुत अहम सवाल है। उसके साथ साथ हमारा जो मतलब देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें निश्चित रूप से सबसे पहली हमारी मांग जो है वो ये है कि ये तीनों काले कानून वापिस ले जाएं और एमएसपी के लिए पूरा कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पे जो है वो मूल्य व्यवस्था को निर्धारित किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे इस आंदोलन के अंदर महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी है तो उसमें हम अपना जो महिलाओं को किसान की तरह से उनका जो एजेंडा है हम उसको भी तमाम तरह से कोशिश कर रहे हैं सामने लाने की। और उसमें 2009 में जो विमेन इन एग्रीकल्चर में जो पॉलिसी बनी थी उसको अभी हम सामने ला रहे हैं कि उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। और इसके बाद जब ये मांगे मानी जाए तो देश में हमारी संसद का एक सत्र बुलाया जाना चाहिए जिसमें हमारा जो खेती बाड़ी का महकमा जिसको कहते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की वो उसमें अगर कुछ बीमारी है तो तमाम कुछ हिला हुआ है उसमें, तो उसके ऊपर थ्रेडबेयर चर्चा होनी चाहिए। और महिलाओं के जो लैंड राइट्स हैं, महिलाओं के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिनके लिए प्रावधान किए गए लेकिन हकीकत ये है कि वो 73% खेती बाड़ी का काम करते हुए भी आज भी केवल 11-12% जो जमीने हैं वो उनके नाम है, उनके हक उनका हक उसके ऊपर है केवल। और वो भी ज्यादातर ये जब से फार्मर्स सुसाइड बढ़े हैं
उसके बाद से ये ओनरशिप बढ़ी है उन स्टेट्स में जो महिलाओं की है। तो ये जो महिलाओं के जो संपत्ति के अधिकार हैं, जो असल में बिल्कुल मूलभूत तरीके से उनको हिंसा से बचाने में एक हथियार की तरह से, एक बराबर के नागरिक की तरह से खड़ा करने में उनकी मदद मिलेंगे करेंगे, तो ये अधिकार भी इस आंदोलन के साथ हम निश्चित रूप से साथ साथ उठा रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र के हमले, सामाजिक क्षेत्र के हमले और हमारे संवैधानिक अधिकारों पर जो हमले जो हैं, ये हमारे लिए मुख्य मुद्दा है और डेफिनेटली हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और हम ये आवाज उठा रहे हैं। और इसीलिए हम ये यूएपीए जैसे काले कानून जो है, जो बोलने वालों के खिलाफ, जो आवाज उठाने वालों के खिलाफ जिनके हमले देखने को मिल रहे हैं, ये इन तमाम को रद्द किया जाए। इस आजाद देश के अंदर इस तरह के काले कानून जो साम्राज्यवादी विजन के एक तरह से हिस्सा है, उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो मतलब हम इस 8 मार्च पे कह रहे हैं कि हम रोटी के लिए लड़ रहे हैं, हम गुलाब के लिए लड़ रहे हैं, हम इस समाज में बदलाव के लिए लड़ रहे हैं और इनकलाब के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये महिलाएं जो है ये लड़ाई अपनी जारी रखेंगी और 8 मार्च को बड़े पैमाने पे यहाँ तैयारियां चल रही हैं चारों तरफ। हम जो देख रहे हैं इस बार के 8 मार्च का रंग जो है वो बिल्कुल अलग तरह का ही देखने को मिलेगा पूरे देश के अंदर। शुक्रिया जगमती आपका हमारे साथ आज शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए।